नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM कार ड्राइव पर। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे। 22 मार्च से COVID-19 के भारत में बढ़ते केस को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया था। पूरे अप्रैल महीने में देश के कोई शोरूम नहीं खुले थे, जिससे अप्रैल महीने में एक भी गाड़ी नहीं बिकी थी। हाल फिलहाल मई के आखिरी में लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई और इसी के साथ शोरूम भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के साथ ही खोले गए। तो इस वीडियो में मई 2020 में पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाली 10 गाड़ियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। लॉकडाउन खुलने से पहले जहां ऐसा सोचा जा रहा था कि लोग निकलेंगे गाड़ी लेने और ज़्यादा पैसों का रिस्क ना लेते हुए सिर्फ सस्ती गाड़ियाँ ही खरीदेंगे, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद इससे बिल्कुल उल्टा हुआ। जो गाड़ियाँ हर महीने टॉप 10 की लिस्ट में हुआ करती थी, वो इस लिस्ट से लगभग बाहर ही हो गई है। और जो गाड़ियाँ कभी टॉप 10 की लिस्ट में आया ही नहीं करती थी, वो गाड़ियाँ मई 2020 में टॉप सेलिंग कार्स बन गई है। अगर आप चाहते हैं गाड़ियों से जुड़ी हमारी सभी तरह की नई वीडियोस देखना, तो नीचे आ रहे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर SKM कार ड्राइव चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाने के बाद उसे ऑल कर दीजिए, ताकि हम गाड़ियों से रिलेटेड जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मई 2020 की टॉप 10 सेलिंग कार्स की इस लिस्ट में 10th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की 5 सीटर कॉम्पैक्ट सब 4 मीटर SUV XUV300। मई के महीने में पूरे भारत के अंदर इसकी 1257 यूनिट बिकी है। अगर देखा जाए लॉकडाउन के पहले जनवरी महीने में, तो XUV300 25th पोजीशन पर थी टॉप सेलिंग कार्स की लिस्ट में। वैसे अभी भी मार्केट खुलने के बाद भी थोड़ा टाइम जरूर लगने वाला है हर बिजनेस को स्टेबल होने में। XUV आपको मिल जाती है पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन में। पेट्रोल में 17 KMPL और डीजल में 20 KMPL तक का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। XUV मिल जाती है 9.35 लाख से 15.13 लाख ऑन रोड न्यू दिल्ली के प्राइस पर। टॉप सेलिंग 9th पोजीशन पर आई है मई 2020 में टाटा मोटर्स की प्रीमियम हैचबैक टाटा एल्ट्रॉस। इस गाड़ी को टॉप सेलिंग की लिस्ट में देखने की इच्छा हम सभी की थी। मई के महीने में पूरे भारत के अंदर एल्ट्रॉस की 1359 यूनिट बिकी है। ये गाड़ी डीजल और पेट्रोल दो इंजन के ऑप्शन के साथ मिल जाती है। पेट्रोल में 19.5 और डीजल में 25.11 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। 5.88 लाख से शुरू होकर 10.55 लाख ऑन रोड न्यू दिल्ली के प्राइस पर मिल जाती है टाटा एल्ट्रॉस आपको। इस लिस्ट में 8th पोजीशन पर वो गाड़ी आई है जो सालों से हर महीने 3rd या 4th पोजीशन पर रहती ही थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी ऑल्टो की। ऑल्टो को इस 8th पोजीशन पर शायद ही कभी देखा गया होगा। मई 2020 में ऑल्टो की पूरे भारत में 1506 यूनिट बिकी है। वही अगर देखा जाए जनवरी 2020 में, तो ऑल्टो की 18,914 यूनिट बिकी थी पूरे भारत के अंदर और इस लिस्ट में 4th पोजीशन पर थी। पेट्रोल और CNG दो इंजन के साथ मिल जाती है। पेट्रोल में 22.05 और CNG में 31.59 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। ऑन रोड न्यू दिल्ली के हिसाब से 3.27 से 4.82 लाख तक मिल जाती है। टॉप सेलिंग 7th पोजीशन पर आई है मारुति की प्रीमियम हैचबैक बलेनो। मई के महीने में पूरे भारत के अंदर बलेनो की 1587 यूनिट बिकी है। जनवरी 2020 की सेकंड हाईएस्ट सेलिंग कार थी बलेनो पूरे भारत के अंदर। बलेनो में पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। डीजल इंजन ऑप्शन अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। 6.22 लाख से शुरू होकर 10.07 लाख ऑन रोड न्यू दिल्ली के प्राइस पर मिल जाती है। 22-24 KMPL का माइलेज भी इसमें क्लेम किया जाता है। 6th पोजीशन में आने वाली किया सेल्टस की पोजीशन में हालांकि कोई बदलाव नहीं आया है। किया सेल्टस जनवरी 2020 में भी 6th पोजीशन पर थी और मई की इस लिस्ट में भी 6th पोजीशन पर ही है। हालांकि सेल्टस की यूनिट में काफ़ी फर्क पड़ा है, जैसा कि इन सभी गाड़ियों पर हुआ है। जनवरी 2020 में जहां सेल्टोस की पूरे भारत के अंदर 15,000 यूनिट बिकी थी, वही मई के महीने में पूरे भारत के अंदर इसकी सिर्फ 1617 यूनिट ही बिकी है। सेल्टोस में पेट्रोल और डीजल दो इंजन मिल जाते हैं।
पेट्रोल में 16.1 और डीजल में 20 kmpl तक का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। सेल्टॉस 11.11 लाख से 20.13 लाख ऑन रोड न्यू दिल्ली के प्राइस पर मिल जाती है। मारुति इको आई है फिफ्थ पोजीशन पर इस लिस्ट में, जो जनवरी 2020 में 12,324 यूनिट के साथ सेवंथ पोजीशन पर थी। मई के महीने में पूरे भारत के अंदर इको की 1,617 यूनिट बिकी है। मारुति इको आती है पेट्रोल और सीएनजी इंजन ऑप्शन के साथ, जिसके पेट्रोल में 16.11 kmpl और सीएनजी में 20.88 का माइलेज क्लेम किया जाता है। मारुति इको 4.29 लाख से 5.58 लाख ऑन रोड न्यू दिल्ली के प्राइस पर मिल जाती है। बुलेरो आई है टॉप सेलिंग कार्स के इस लिस्ट में फोर्थ पोजीशन पर, जो जनवरी 2020 में इस लिस्ट की टॉप 10 से भी बाहर थी। बुलेरो की मई 2020 में 1,715 यूनिट बिकी है। बुलेरो सिर्फ एक डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आती है, जिसमें 16.5 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। महिंद्रा बुलेरो 9.20 लाख से 10.36 लाख ऑन रोड न्यू दिल्ली के प्राइस पर मिल जाती है। इस लिस्ट की थर्ड पोजीशन पर वो गाड़ी आई है जो जनवरी 2020 की टॉप सेलिंग कार थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारुति डिजायर की। डिजायर की मई 2020 में पूरे भारत के अंदर 2,215 यूनिट बिकी है। हाल ही में डिजायर का फेसलिफ्ट भी लॉन्च किया गया था। इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है। 21.21 से 28.4 kmpl का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। डिजायर 6.57 से 9.91 लाख ऑन रोड न्यू दिल्ली के प्राइस पर मिल जाती है। सेवन सीटर एमपीवी मारुति अर्टिगा है इस लिस्ट में टॉप सेकंड सेलिंग कार मई 2020 की। अगर देखा जाए अर्टिगा की जनवरी का सेल, तो जनवरी 2020 में मारुति अर्टिगा टॉप 15 कार्स की लिस्ट से भी बाहर थी। मई 2020 में पूरे भारत के अंदर इसकी 2,353 यूनिट बिकी है। अर्टिगा में पेट्रोल और सीएनजी इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें पेट्रोल में 19.34 kmpl और सीएनजी में 26.8 का माइलेज क्लेम किया जाता है। अर्टिगा मिल जाती है 8.51 लाख से 11.70 लाख ऑन रोड न्यू दिल्ली के प्राइस पर। लॉकडाउन के समय सभी की यही सोच थी कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, सबसे कम कीमत में आने वाली गाड़ियों की सेल्स बढ़ेगी। लेकिन मई के महीने में इसका बिल्कुल उल्टा ही हुआ। जो गाड़ियां कम प्राइस पर आती है वो बहुत कम बिकी है, और जो गाड़ियां ज़्यादा प्राइस पर आती है उन गाड़ियों की सेल्स ज़्यादा हुई है। इस लिस्ट में इन सभी गाड़ियों से सबसे ज़्यादा प्राइस पर आती है ह्यूंडई क्रेटा, जो आई है इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर। क्रेटा का अपडेटेड फेसलिफ्ट उतारा गया था और कुछ ही दिनों बाद लॉकडाउन भी हो गया था। लेकिन अब लॉकडाउन में राहत के बाद क्रेटा की सेल से पता चलता है कि इसके फेसलिफ्ट वेरिएंट को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है। जनवरी 2020 में क्रेटा 13 पोजीशन पर थी, और वही मई के महीने में इसकी पूरे भारत के अंदर 3,212 यूनिट बिकी है, और इस लिस्ट में अब फर्स्ट पोजीशन पर आती है। इसमें डीजल और पेट्रोल दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पेट्रोल में 16.8 kmpl और डीजल में 21.4 kmpl का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। क्रेटा 11.31 लाख से 20.41 लाख ऑन रोड न्यू दिल्ली के प्राइस पर मिल जाती है। तो ये थी लॉकडाउन के बाद के पहले महीने के टॉप 10 सेलिंग कार्स पूरे भारत की। अगर आपके कोई सवाल है या कोई डाउट्स है इन गाड़ियों को लेकर, या किसी भी दूसरी गाड़ियों को लेकर, तो आप नीचे इस वीडियो के कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं गाड़ियों से जुड़ी सभी तरह की वीडियोस देखना, तो नीचे आ रहे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर SKM कार ड्राइव चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाने के बाद उसे ऑल कर दीजिए, ताकि हम गाड़ियों से रिलेटेड जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और ये ध्यान रहे कि अगर आप फोर व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर पहने, और अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर पहने। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।